गाडरवारा नगर में रुद्र मैदान ग्राउंड पर क्षत्रिय राजपूत जो महासभा है उसके मार्गदर्शन में आज रावण दहन का कार्यक्रम गाडरवारा नगर पालिका रुद्र मैदान में संपन्न हुआ है। बारिश के बावजूद यहाँ पर राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम के पहले हमने उनसे विस्तार से इस परंपरा के बारे में जाना। समाजसेवी श्री अशोक राजपूत, समाजसेवी श्री घनश्याम राजपूत से हमने चर्चा की, करी हमें विस्तार से दी गई। नमस्कार साथियों, आज हम नरसिंहपुर जिला गाडरवारा के रुद्र मैदान में आ गए हैं। आज विजयदशमी का मौका है, विजयदशमी का एक बड़ा कार्यक्रम है, दशहरा समारोह यहाँ पर होगा। राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा गाडरवारा के रुद्र मैदान में एक बड़ा आयोजन गाडरवारा में होने वाला है। सालों से राजपूत समाज द्वारा सालों से यह कार्यक्रम गाडरवारा में होता आ रहा है। हम सीधा आपको आज गाडरवारा के जो राजपूत समाज के प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं हम उनसे मिलाते हैं कि किस तरह से गाडरवारा में कार्यक्रम हो रहा है। तो हम सीधा उनसे आपको मिलाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अशोक सिंह राजपूत। अशोक भैया, ये कार्यक्रम है आज बड़ा कार्यक्रम है, दशहरा समारोह राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा, किस तरह का ये आयोजन है? ये हमारा सबसे पहले जो इसमें सुंदरकांड होगा, सुंदरकांड के बाद शस्त्र पूजन होगा, जिसे जाति भाई शस्त्र पूजन करेंगे जी। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले पूरे नगर शामिल होता है, इसमें पूरे नगर का कार्यक्रम हो जाता है और लगभग 10 बजे तक रावण दहन का कार्यक्रम। राजपूत समाज का क्या संदेश रहता है इस कार्यक्रम में? राजपूत समाज का ही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के रहें, एकजुटता में रहें और लोगों गरीब लोगों की जितनी अधिकतम ज्यादा सेवा हो सकती है उसे। रावण का भी यहाँ दहन होगा? रावण का दहन 10 बजे हो गया है। कितने फिट की मूर्ति रहेगी? 51 फिट की मूर्ति भोपाल से बुलाई है और पूरी नगर को इन्वाइट भी किया है। इसमें किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा इसमें, शस्त्र पूजन के बाद तो मनीष कोरी का डांस प्रोग्राम है, एक से एक उसमें देवी जी की जो है डांस, दुर्गा एक उनका फेमस वो है, वो भी रहेगा। पूरा कार्यक्रम यहाँ मनीष कोरी का चलेगा। चले, आप देख सकते हैं राजपूत समाज के वरिष्ठ अशोक भैया ने कुछ जानकारी दी। अब हमको एक वरिष्ठ नागरिक से आपको मिलाते हैं राजपूत समाज के। सर पूरा नाम क्या? घनश्याम भैया बताएं, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, समाज का बड़ा कार्यक्रम है और विजयदशमी का बड़ा कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं हम, राजपूत क्षत्रिय सभा को आयोजक मंडल होती है जी, इसमें हम सभी को, शहर के वरिष्ठ लोगों को, तमाम प्रतिष्ठित लोगों को, सभी संस्थाओं को आमंत्रित करते हैं और वो हमारे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। रावण दहन के लिए घर घर से बच्चे अपने अभिभावकों को लेके आते हैं और हमारी जो युवा टीम है वो रावण दहन का कार्यक्रम बड़े जोश खरोश के साथ करती है और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम लगातार शहर से हमें सहयोग मिलता रहे और हम इसी तरह आयोजन करते रहें। जो संस्थाएं हमें सहयोग करती हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अन्य दीगर समाजें हो, उनका भरपूर सहयोग मिलता है और यही अपेक्षा हम सदैव करते हैं। हिल मिल के हमको सबको रहना चाहिए और बुराई को इसी तरह रावण की तरह दमन करना चाहिए। दमन करने का एक दशहरा का एक बड़ा संदेश रहता है, तो आपकी समाज की तरफ से क्या संदेश रहेगा आपका? हमारी समाज वैसे भी राजपूत समाज का धर्म ही होता है रक्षा का, तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह जो बलवान है वो हमेशा कमजोर की रक्षा करें और जो अन्याय है उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ ऊपर करें, यही हमारा संदेश है। आप देख सकते हैं एक बड़ा संदेश आदरणीय घनश्याम राजपूत जी ने दिया और सीधा दशहरा समारोह है राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा जो रुद्र मैदान गाडरवारा का यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है। इन्होंने अपील की है कि क्षेत्रवासी, नगर के जो गाडरवारा के नगरवासी है, सभी समाज के नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं नरसिंहपुर जिला गाडरवारा रुद्र मैदान पर खड़ा हुआ हूँ, रिपोर्टर विनोद चौकसे।